पहले इससे पहले आपको पढ़ना है ना, पिछले में क्या बताया था, इससे पहले आपको कि C5H10 के हमें आइसोमर निकालने, कौन से आइसोमर निकालने हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर निकालने हैं, ठीक है ना। अब हम निकाल के देख रहे हैं कैसे निकालना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें डबल बॉन्ड लेंथ निकालना होगा। निकाला है आपने, कैसे निकाला बेटा, हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ कार्बन, आइसोमर को कहते हैं समावयवी। क्या बोलते हैं बेटा, समावयवी आइसोमर यानी कि समावयवी। तो निकाले ट्वाइस ऑफ कार्बन यानी दो गुना कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, पांच है, तो दो का गुना करते हैं दस हो गए, ठीक है, प्लस दो माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने बेटा, दस। ट्राइवेलेंट एक भी है नहीं, यानी आंसर होगा आपका बेटा कितना, टू अपॉन टू वन। वन क्या हो सकता है आपका, डबल बॉन्ड हो सकता है, या वन क्या हो सकता है, साइकिल हो सकता है ना, एक चक्र हो सकता है या एक डबल बॉन्ड हो सकता है। अब आप बना के देखे देखो बेटा, पांच मेंबर हो गए तुम्हारे, तो पांच मेंबर तो कैसा हो सकता है, एक तो सबसे पहले तीन मेंबर का चक्र बन सकता है, साइकिल है ना, और दो कार्बन ऊपर लग जाएंगे, यही एक साथ लग जाएंगे, क्या बेटा रिंग तो है, सबसे छोटी रिंग में कितने मेंबर हो सकते बेटा, तीन हो सकते हैं, साइक्लोप्रोपेन हो सकता है, सब छोटे साइकिल कंपाउंड। देखो तीन में दो कार्बन यहां लगा दिए, इसमें कुछ एक चीज और हो सकती है अभी आपको, क्या हो सकता है बेटा, दोनों साइड एक एक लगा दिया, लगा सकते हैं कि नहीं, अभी तुम्हें सोचना है, ज्यादा दिमाग साइड में लगने नहीं है बेटा। देखो तीन का हमने साइकिल बनाया, एक कार्बन है, एक कार्बन है, अब भी काम हो गया हमारा, समझ आ रहा बेटा, ये भी हमारा काम, तो तीन का अब आया हम चार का, अब चार का आया ना, तो चार का हमने बनाया, एक कार्बन लगा दिया, तो यही लगेगा अब तो कार्बन, अब तो कहीं लगने की संभावना नहीं है, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, अब एक पांच का भी बन सकता है, पांच का हमने बना लिया, इसको साइक्लोपेंटेन क्या बोलते हैं बेटा, साइक्लोपेंटेन, पांच का बन गया, हम आगे बढ़े, अब ये तो होगा साइक्लिक वाले, साइक्लिक का हमारा ऑप्शन खत्म, ठीक है ना बच्चों। अब हम आते हैं नॉर्मल, पांच कार्बन है, एक तो हमने डबल बॉन्ड पहले नंबर पर लगा दिया, ठीक है ना, एक हम कहां लगा सकते हैं बेटा, डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर लगा लिया, तीसरे पे आ नहीं सकता है, क्योंकि तीसरा आया तो दूसरा हो जाएगा खुद ही, अब यहां लगाए तो दूसरा हो जाएगा ऑक्साइड से। अच्छा लेकिन चेन तो कर सकते हैं इसकी, यानी क्या किया हमने, पहले भी डबल बॉन्ड रहने दिया, इसका एक कार्बन तोड़ के यहां से इसको तोड़ा, इसको यहां लगा सकते और यहां लगा सकते, कहां लगा सकते बेटा, यहां भी लगा सकते, यहां भी लगा सकते, यहां नहीं लगा पाए, यहां लगा तो वो सीधे हो जाएगा, तो अपना आप खुद का दिमाग लगाना बेटा, अगर आप उसको यहीं लगा दोगे तो सीधा हो जाएगा, इसको हम यहां लगा सकते और यहां लगा सकते हैं, इसको यहां से तोड़ दिया, कहां कहां लगा सकते बेटा, यहां और यहां लगाए, एक हमने देखा, हमने एक बार यहां लगा दिया, और एक बार हम कहां लगा सकते हैं, ये हो गया, ठीक है ना। अब इसमें दो कार्बन तोड़ सकते हैं, दो तोड़ते हैं एक साथ, और दो तोड़ के यहां लगा देते हैं, यहां देखो कैसे लगाना चाहिए, एक ऊपर लगा दे, एक नीचे लगा दे। अब इसके आइसोमर नंबर कितने आइसोमर, बोलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आइसोमर होगा, कितना आइसोमर होगा बेटा, 10 स्ट्रक्चर संरचनात्मक समावयवी होता है, 10 संरचनात्मक समावयवी हो पाए, ये बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही, ये प्रश्न कभी कभी आ जाता है देखिए, तो ये थोड़ा नया है, आपने नहीं पढ़ा उसको, जो आपने पढ़ा उसके हिसाब से थोड़ा अलग है ना, ये चीज आपके नहीं थी सिलेबस में, ये नई चीज आ गई है इसलिए, लेकिन समझ में आ गया हमारी बात, ठीक है ना। चलिए इसको नोट भी कर ले, आप अपने हिसाब से खुद कर सकते हो, या फिर आप नोट करना चाहते हो करना चाहते, क्या क्या होगा बेटा देखो, अगर ये लिखा होगा CnH2n+2O, तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, क्या होगा, एल ओ वाल होगा या
ईथर होगा, अगर मॉलिक्यूल लगाओ CnH2nO तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, अगर लगाओ CnH2nO2 तो एसिड होगा या एस्टर होगा, अगर लगाओ CnH2n+3n तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन हो सकता है, अगर लिखा होगा CnH2n तो एल्कीन या साइक्लो एल्कीन होगा, अगर लिखा होगा CnH2n-2 तो डाइलीन और आयन हो सकता है, ठीक है ना, डाइलीन और आयन हो सकता है। अब हम इसको बनाए क्वेश्चन करके देखे बता सकते हैं ना, थोड़ा इसको एक साइड से निकालें तो आप हम निकाल देते हैं। क्वेश्चन आया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लिखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O, क्या लिखा बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O, इसके इसके बताना है, क्या बताना है आपको, स्पेक्ट्रल आइसोमर यानी कि संरचनात्मक समूह को बताना, सभी सभी तरह के देखे हम, पहली बात पहचानना किसका फॉर्मूला है, हमने पहचाना कार्बन के डबल से दो ज्यादा हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, यानी यह फॉर्मूला किसका बेटा, यह फॉर्मूला एल्कोहल या ईथर का है, ये तो हम जान ही चुके हो। अब हमारा काम बन गया थोड़ा, अब हाइड्रोजन तो लग ही जाएंगे अपने आप, हमने कैसे लिखा बेटा, चार कार्बन है ना, एक OH लग सकता है, कैसी चेन में अंतर हो सकता है, कार्बन की चेन में अंतर हो सकता है, अभी ये वाला पकड़ के खाना लगा दें तो चेन में अंतर हो जाए, इसको कहा इसमें इसमें बीच वाले में थोड़ा थोड़ा सा मजा होता है ना, कहा लगा दे इसको, पहले में लगा दे सकते हैं वही लगा दे, कहा लगा दे, यानी क्या लिखते हैं ये चेन आइसोमर होगा, क्या होगा बेटा ये चेन आइसोमर होगा, क्या इसके पोजीशन बदल सकते हैं, बदल सकते हैं, ये पोजीशन एक नंबर पर है कि हम इसकी पोजीशन दो कर सकते हैं, कैसे लिखते हैं बेटा, हम ये पोजीशन बदल गई, क्या इस पोजीशन पर एक और बन सकता है, और बन सकता है, इसको तोड़ के यहां लगा देंगे, सही बात है कि नहीं है, क्या होगा बेटा ये, तो ये दोनों कौन से आइसोमर हो गए, ये वाले पोजीशन हो गए, ऐसे है ना, ये बात क्लियर है, यानी 1 डिग्री पर देखा इसको ऐसे बोल सकते बेटा, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, क्या है अगर आपसे पूछे तो, क्योंकि अल्कोहल वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, इस अल्कोहल को बेटा 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं, ये भी बनी है, सॉरी पॉइंट डिग्री है, ये भी पन है, ये वाला 2 डिग्री है, देखो है कि नहीं, ये वाला कितना है 3 डिग्री है, तो इसके कितने आइसोमर होगा बेटा, 1, 2, 3, 4 आइसोमर तो कौन से हुआ है, एल्कोहल वाले हुए, अब इसके आइसोमर इथर वाले भी तो हो सकते हैं, हो सकते नहीं हो सकते इथर वाले, हम इथर वाले लिख देंगे, अच्छा चलिए इथर वाले लेते हैं, बीच में ऑक्सीजन दोनों साइड दो दो कार्बन लगा दिए हमने, एक तो ये हो गया इथर का, अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं एक साइड दो एक साइड तीन कार्बन लगा दिए, लेकिन हम यहां इसको यहां भी तो जोड़ सकते थे, यहां पे यहां इसमें तो जोड़ सकते हो, यानी क्या कर रहे हैं एक साइड दो और एक साइड तीन कार्बन ऐसे लगा रहे हैं, इसको तोड़ के यहां से तोड़ के कहां लगा दिए, यहां लगा दिया, तो ये तीन इथर होगा, इसके चार कितने हुए थे, 1, 2, 3, 4 हुए थे एल्कोहल और 3 इथर हुए, तो प्रश्न आया ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे, किससे संरचनात्मक समूह होंगे, तो ये कितने हो गए, 1, 4, 3, 7 हो गए, 7 समूह हो गए, आपको एक साथ ऑप्शन भी होगा, जो ऑप्शन आएंगे ना एक ऑप्शन 7 भी होगा, ये बात क्लियर है ना, देखो एक आरोप देखो, प्रश्न आया
मॉलिकुलर फॉर्मूला C4H8 क्या लिखा है बेटा FH6 C4H6 लिखा है C4H6 की आइसोमर बताइए प्लस आयन अगर आप यहां से देखें बेटा CnH2n-2 बताया था हमने डबल से दो कम किसका बताया था डाई एल्कीन या एल्काइन डाई एल्कीन या एल्काइन तो पहले हम डाई एल्कीन लिखेंगे बेटा नॉर्मली क्या होता है ये भी लिख सकते हैं लेकिन इसको हम लिखते नहीं है आप क्यों नहीं लिखते ये बहुत अनस्टेबल होता है कैसा होता है काउंटिंग में आ सकता है लेकिन नॉर्मली इसका यूज नहीं होता ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है ये हो सकता है लेकिन हो सकता है डाई एल्कीन है ना दो डबल बॉन्ड कहां यहां और यहां क्या बेटा दो डबल बॉन्ड है दो है ना दो का मतलब क्या होता बेटा बेटा बताया ना CnH2n-2 यदि फॉर्मूला मिल जाए तो इसका मतलब क्या होगा हमारे डाई एल्कीन होगा या ये लिखा है ना अगर ऐसा फॉर्मूला कहीं लिखा हुआ मिल जाए हमें जिसमें कार्बन से डबल से दो कम हाइड्रोजन हो तो उसमें क्या होगा बेटा उसमें डबल से दो कम है तो उसमें उसके जो आइसोमर बन सकते हैं वो या तो डाई एल्कीन होंगे या क्या होंगे या एल्काइन्स होंगे ठीक है ना डाई एल्कीन होंगे या एल्काइन्स होंगे तो उस हिसाब से है ये ठीक है ना तो अब डाई एल्कीन को हमने बना दिया एल्काइन्स कैसा हो सकता है एक तो हमारा ट्रिपल बॉन्ड एक नंबर पे आ सकता है और एक ट्रिपल बॉन्ड कहां आ सकता है दो नंबर पे आ सकता है हम हाइड्रोजन से तो चेक कर लें अच्छा हाइड्रोजन से क्या करना चेक कर लें 1 2 ठीक है ना 3 4 5 6 इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 इसमें एक आएगा इसमें 2 3 4 5 6 इसमें 1 2 3 4 5 6 यानी ये हो गया ठीक है ना अभी इसके बाद जो आइसोमर्स में उसके क्वेश्चन बेटा यही में सबसे ज्यादा आते हैं इसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म क्या बोलते हैं इसको टॉटोमेरिज्म मतलब चला हुआ है क्या होती है पहले इसको नोट कर लो बताओ क्या है